हेलो यार गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस आई होप आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे। तो गाइस आज के इस वीडियो में हमारे पास है रियलमी C35 फ़ोन, और यहां पर हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने रियलमी C35 डिवाइस में आप अपने फ़ोन की डिस्प्ले पर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक यहां पर कैसे इनेबल करो, कैसे लगाओ। तो गाइस यहां पर हम आपको कुछ सेटिंग बताएंगे जो कि आपको अपने फ़ोन में करना है, जिसके बाद यहां पर काफ़ी आसान से आपके फ़ोन की डिस्प्ले पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लग जाएगा। तो गाइस आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा, और चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर आल पर क्लिक कर दीजिएगा। हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर डिस्प्ले पर फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए आपको सबसे पहले तो गाइस आपके फ़ोन की जो सेटिंग है उसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से ओपन कर लेना है। गाइस फ़ोन की सेटिंग को आप ओपन करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके फ़ोन की सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर गाइस आपको एक ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का, तो आपको सिंपली से इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिलेंगे, तो यहाँ पर गाइस आपको एक फेस अनलॉक का ऑप्शन मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर मैं फिंगरप्रिंट के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन आपको पहले यहाँ पर अपने फेस डेटा को ऐड कर लेना है। तो गाइस मैं यहाँ से सिंपली से कुछ इस तरीके से आपको अपना फेस यहाँ पर ऐड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर गाइस आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर पैटर्न मांगेगा जो कि दे देना है, और यहाँ पर स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे एक नेक्स्ट का बटन आएगा, तो आपको सिंपली से इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो फेस है यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्कैन होगा। स्कैन होने के लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा। वेट करने के बाद यहाँ पर गाइस आपके फ़ोन में आपका फेस डेटा ऐड हो जाएगा, और आपको डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक करने के बाद गाइस आपका जो फेस है यहाँ से ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपको वापस अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर आ जाना है। होम स्क्रीन पर आने के बाद गाइस ऊपर आपको गाइस यहाँ पर गूगल मिलेगा, तो आपको गाइस यहाँ पर गूगल पे चले जाना है। गूगल पे जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पर सर्च करना है फिंगरप्रिंट वॉलपेपर। फिंगरप्रिंट वॉलपेपर सर्च करने के बाद गाइस यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके फ़ोन में कुछ वॉलपेपर आ जाएंगे, तो आपको यहाँ पर सिंपली से इस वाले वॉलपेपर पर क्लिक करके और यहाँ पर इसे डाउनलोड कर लेना है। गाइस यहाँ पर एक और तरीका है जिससे आप यहाँ पर फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो, लेकिन गाइस ये जो तरीका है ये काफ़ी सिक्योर है, और यहाँ से गाइस आपके फ़ोन का जो डाटा है वो भी यहाँ से लीक होने की काफ़ी कम यहाँ पर संभावना होती है गाइस। तो गाइस आपको यहाँ पर सिंपली से इसे डाउनलोड कर लेना है, और गैलरी वाले ऑप्शन पर गाइस कुछ इस तरीके से क्लिक करना है। और यहाँ पर आने के बाद गाइस आपको यहाँ पर अभी जो हमने गाइस यहाँ पर जो फोटो यहाँ पर डाउनलोड की थी उसे यहाँ पर हमें ढूंढ लेना है। तो गाइस हम यहाँ पर हम ढूंढ लेते हैं, यहाँ पर ऑल फोटो में जाते हैं, और यहाँ पर देखते हैं कि वो जो हमने अभी फ़ोटो डाउनलोड की थी वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ गई है। तो गाइस हमें यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करना है, और स्टेटस वॉलपेपर पर आना है, और यहाँ पर गाइस हमें कुछ ऑप्शन मिलेंगे अप्लाई का। तो गाइस आपको अप्लाई पे आने के बाद यहाँ पर गाइस सेट अस लॉक स्क्रीन पर कर देना है। लॉक स्क्रीन पर करने के बाद हमें आ जाना है अपने फ़ोन की लॉक स्क्रीन पर। तो गाइस यहाँ पर कुछ इस तरीके से गाइस नीचे आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक आ जाएगा, और गाइस यहाँ पर ऊपर आपका कैमरा आपके फेस को स्कैन कर लेगा। उसके बाद गाइस आप यहाँ पर जैसे यहाँ पर फिंगर रखोगे और स्वाइप अप करोगे तो आपका फ़ोन यहाँ पर अनलॉक हो जाएगा। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर आल पर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।